ग्रहण करें और जिन जिन लोगों को स्वागत करना है माननीय मंत्री जी का, वो आकर एक साथ एक क्रम में आकर अपना बुके, अपनी माला, अपने फूल भेंट कर सकते हैं। मुझे समय से पहुंचना भी है, इसलिए मैंने उससे पहले हमारे दोनों प्रत्याशी दो शब्द रखने थे। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूं और मेरे दोनों प्रत्याशियों से भी कि उनको बोलने का समय मैं नहीं दे पा रही हूं। और आप सबके बीच मैं इतना ही निवेदन करने आई हूं कि लोकतंत्र में ये एक महान उत्सव है, हमारा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश में जब चुनावी बिगुल बज जाता है तो पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिक जाती है। कहने को तो देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक कौतूहल और सर्वाधिक उत्साह या उत्सुकता पूरे देश में अगर है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर है। और जब लोकतंत्र का ये रण परवान चढ़ चुका है तो हम भी आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ये दोनों प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि भी और मेजर सुनील दुबे जी भी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं आप सबके बीच एक एक गांव, एक एक घर पहुंचने की ये मेहनत कर रहे हैं। इस कोरोना काल में जब हम ये भी चाहते हैं कि आप सबके जीवन के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो, उसके बीच में किसी तरह हम एक रास्ता निकाल रहे हैं कि आपके बीच पहुंचे। तो मैं आज आपके बीच आई हूं अपने इन दोनों प्रत्याशियों के लिए। विधानसभा से डॉक्टर सुरभि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पहले भी आपके बीच विधानसभा चुनाव के मैदान में थी और आप सब ने इन्हें इतना अपार स्नेह दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और अपना ढेर सारा अमूल्य वोट भी दिया। चुनाव